हमारा एक्चुअली पापा का दूसरा बिजनेस भी था, स्टोन क्रशर था पापा का। तो उसके बाद मेरा मुझे आइडिया आया कि मैं ये केसर वगैरह जो है इसको मैं अपग्रेड कर सकता हूँ, नेक्स्ट लेवल पे लेके जा सकता हूँ। तो मैंने जो 12th के बाद जो है मैंने पढ़ाई वो मैंने इग्नो थ्रू स्टार्ट की है, क्योंकि पढ़ाई और ये बिज़नेस एक साथ नहीं हो पाता, दैट्स वाई कि मैंने उसको क्या किया, इग्नो थ्रू स्टार्ट किया। और यहाँ से जो बिज़नेस है केसर बादाम अखरोट, इसके बाद जो बाकी भी चीज़ें हैं जैसे हमारे यहाँ पे पिस्ता भी है, काजू वगैरह बहुत सारे ड्राई फ्रूट्स आते हैं, तो मैंने ये सब इसमें ऐड किया है। पहले हमारे यहाँ पे क्या होता था कि खाली पैकेट्स में, प्लेन पैकेट्स में हमारे यहाँ पे माल भेज दिया जाता था। फिर क्या हुआ कि इज़्ज़त भाई ने जो यहाँ पे एक स्टेप लिया कि हमने अपनी ब्रांडिंग शुरू की, ब्रांडिंग पे हमने MRP डेटा पैकिंग ये सारा लिख के रख दिया कि कब क्या चीज़ एक्सपायर हो रही है, सारा कुछ हमने मेंटेन किया। अभी जो अनएम्प्लॉयमेंट हो रही है उसमें भी यहाँ पर अभी जहाँ पर 5 बंदे काम करते थे अभी वहाँ पर 10 बंदे काम कर रहे हैं। अभी आप हमारे स्टोर में देखोगे तो अभी तकरीबन 10 से लेके 12 बंदे हमारे यहाँ पे काम करते हैं।